हाय एवरीवन। सो आज की जो टॉपिक है दैट इज चेंजेस इन ड्यू डेट्स एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डिलेड पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस पेमेंट की जो ड्यू डेट है उनको एक्सटेंड किया गया है और उनके ऊपर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया है कोविड-19 की वजह से। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड जो कंटेंट्स आज हम लोग कवर करेंगे वो सब है जो नई ड्यू डेट्स है कंप्लायंसेस के लिए अंडर इनकम टैक्स लॉ, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, और उनके ऊपर जितने भी इंटरेस्ट, जो डिलेड पेमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट्स है, जो भी रिवाइज न्यू न्यू इंटरेस्ट रेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट उसके बारे में हम लोग उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे कि GST, उनकी जो न्यू ड्यू डेट्स है उनके बारे में, एंड उनके ऊपर लगने वाली लाइबिलिटी, जो लेट फीस है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में। एंड फिर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ डिडक्शंस के लिए जो कि PM केयर्स फंड 80G में एप्लीकेबल होती है उसके बारे में, एंड कुछ स्पेसिफाइड कॉर्पोरेट लॉ के कंप्लायंसेस है उसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। लेट्स प्रोसीड। सो जो न्यू ड्यू डेट्स है अंडर इनकम टैक्स फॉर सम कंप्लायंसेस, फॉर ITR कंप्लायंसेस बेसिकली, जैसे कि बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग ऑफ ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020, बट अब वो एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दी गई है, 30 जून 2020 तक। सो बेसिकली फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 अब हम लोग रिटर्न जो है 30 जून 2020 तक फाइलिंग कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग कोई भी रिवाइज रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जो हम लोग 31 मार्च 2020 तक रिवाइज कर सकते थे उसको अब हम लोग 30 जून 2020 तक रिवाइज कर सकते हैं। एंड कोई भी रेक्टिफिकेशन अगेंस्ट द ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी उसको भी हम लोग 30 जून 2020 तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड जो आखिरी पार्ट है इसमें, जो आखिरी रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, दैट इज फाइलिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। कोई भी रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जिसके अगेंस्ट में नोटिस इशू किया गया है अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 उसके अगेंस्ट में हम लोग रेक्टिफिकेशन रिस्पॉन्स जो है वो 31 मार्च 2020 के बजाय अब 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इन शॉर्ट जितनी भी ड्यू डेट्स 31 मार्च 2020 तक की थी फॉर एनी काइंड ऑफ बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न या ओरिजिनल रिटर्न रेक्टिफिकेशन के लिए या किसी रेक्टिफिकेशन रिस्पॉन्स को सबमिट करने के लिए, वो अब 30 जून 2020 तक कर दी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी TDS एंड TCS रिलेटेड कंप्लायंसेस। यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्म 24Q और 26Q अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर। मतलब कोई भी डिडक्टर जो कि गवर्नमेंट नहीं है या गवर्नमेंट का नहीं है वो 24Q, 26Q और 27Q, इनफैक्ट ये तीनों रिटर्न्स क्वार्टर फोर के 31 मई 2020 के बजाय अब 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है। सेकेंड है फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G बाई एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट डिडक्टर, उनकी रिटर्न्स मंथली फाइल होती थी पहले, अब वो फाइलिंग सबकी सब एक्सटेंड होकर के 30 जून 2020 तक हो गई है। जैसे कि मार्च की जो फाइलिंग थी उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, अब उसको 30 मई 30 जून तक फाइल कर सकते हैं, और अप्रैल के लिए 15 मई थी
उससे भी 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली 20 मई सॉरी मई 2020 की जो फाइलिंग थी टीडीएस की, वो 15 जून के बजाय आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। ये है फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर्स। देन कमिंग बैक टू द पोर्शन, लाइक ये तो हो गई रिटर्न फाइलिंग के बारे में। देन जो थर्ड पार्ट ऑफ रिटर्न्स है, दैट इज फॉर इंडिविजुअल्स, लाइक जो लोग कंपनीज या कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं है उनके लिए, जो कि गवर्नमेंट डिडक्टर्स भी नहीं है उनके लिए मेजरली, जैसे कि फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QB इज फाइल्ड फॉर टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेल करते हैं उसको हम लोग, उसके ऊपर हम लोग जो टीडीएस काटते हैं उसका सेक्शन है 194IA, उसकी अगेंस्ट में जो रिटर्न फाइल होती है फॉर्म 26QB, उसकी भी ड्यू डेट 30 जून 2020 तक कर दी गई है फॉर फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। यानी कि कोई भी टीडीएस रिटर्न ऑफ 194IA फरवरी, मार्च या अप्रैल की, उसको हम लोग 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म 26QC और फॉर्म 26QD। ये दोनों सेक्शंस जो है, ये दोनों जो फॉर्म्स है, ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के लिए जो कि टैक्स ऑडिट के अंडर में नहीं आते हैं। उनके लिए जो सेक्शंस है टीडीएस के, वो है 194IB जो कि रेंट के लिए है, और 194M जो कि कोई भी प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्चुअल या कोई भी कमीशन एक्सपेंस के लिए है जो कि एक इंडिविजुअल करता है, और उनके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। उनके लिए ये सेक्शन होता है 194M। ये दोनों जो रिटर्न्स, ये दोनों जो सेक्शंस हैं टीडीएस के, इन दोनों के लिए जो रिटर्न्स है वो है फॉर्म 26QC और QD में रेस्पेक्टिवली। उनकी भी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है और फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 30 जून 2020 तक। फिर है टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए होती है, फॉर्म 16A जो कि नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स या लाइक डिडक्टीज के लिए होती है, नॉट इंडिविजुअल्स, डिडक्टीज के लिए, और क्वार्टर फोर एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20। बेसिकली फॉर्म 16 ऑन लाइक फॉर्म 16 जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए होती है, वो पूरे साल की होती है, और जो फॉर्म 16A है वो क्वार्टर फोर के लिए 30 जून 2020 तक अब हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जितने भी डायरेक्टिव्स हैं उनको 30 जून 2020 तक हम लोग ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इश्यूएंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट थ्रू फॉर्म 16B, 16C एंड 16D। जो यहाँ पे फॉर्म्स थे 26QB, 26QC, 26QD, इनके अगेंस्ट में जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो भी अब 30 जून 2020 तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन टीसीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट थी क्वार्टर फोर की, वो थी 15 मई 2020, वो भी अब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक कर दी गई है। और उसके अगेंस्ट में जो सर्टिफिकेट इशू होता है 27D, उसकी भी ड्यू डेट 30 जून 2020 तक कर दी गई है। सो इन शॉर्ट, कोई भी टीडीएस रिटर्न कोई भी टीडीएस रिटर्न फरवरी, मार्च और अप्रैल की, जिसकी ड्यू डेट अप्रैल, मई और जून के अंडर में आती थी, उसको अब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है फॉर ऑल काइंड ऑफ डिडक्टर्स, बी इट गवर्नमेंट डिडक्टर या इंडिविजुअल डिडक्टर या नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू ड्यू डेट्स फॉर कंप्लायंसेस अंडर इनकम टैक्स लॉज। ओके, अपार्ट फ्रॉम टीडीएस
एंड आईटीआर और भी बहुत सी कंप्लायंसेज है जिनकी यूनिट्स एक्सटेंड कर दी गई है. उनमें से एक है मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन परचेज और क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 जीबी फ्रॉम कैपिटल गेन्स. बेसिकली कोई भी कैपिटल गेन 1920 के लिए जो आपकी हुई है उसके अगेंस्ट में आपको टैक्स सेव करने के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि 54 सेक्शन 54 से 54 जीबी के बीच में मेंशनड है, उसके अगेंस्ट में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो अब 30 जून 2020 तक कर सकते हैं. यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिला है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920. अब हम लोग 30 जून 2020 तक उसके रिटर्न लाइक उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है 80C से लेकर के 80GGC में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो हम लोग जानते हैं, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 हम लोग अब 30 जून 2020 तक कर सकते हैं. सो अगर किसी की भी लाइक इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स मार्च तक मिस हो गई है, उनके पास एक लाइक ऑप्शन है कि 30 जून के पहले वो अपना टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 80C से लेकर के 80GGC के बीच में. 80C यानी कि लाइक PPF वगैरह एंड बाकी वही सब है. देन फर्निशिंग ऑफ SFT रिटर्न्स, सॉरी SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो SFT रिटर्न है, SFT रिटर्न यानी कि 25 स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि इनके अगेंस्ट में मेंशनड है, उसकी ड्यू डेट 31 मई 2020 थी. अब उसे भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है. SFT रिटर्न में 25 स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस थे जिसमें से एक कैश एक्सपेंसेस ऑफ मोर देन 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर होता है तो वो मेंशन करना पड़ता है, वो रिपोर्टिंग करना पड़ता है उसके बारे में. वैसे ही काफ़ी मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस है जो कि मेंशनड है. अगर वैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंशियल ईयर 1920 में उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एंड अगर वो रिपोर्टिंग लाइक पहले ड्यू डेट जो थी 31 मई थी अब उसको 30 जून कर दी गई है. देन विवाद से विश्वास स्कीम, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करनी थी 31 मार्च 2020 तक उसको भी अब एक्सटेंड कर दिया गया 3 मंथ से, एंड 30 जून तक अब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं वहां पे. वेस्ट बंगाल PT रिटर्न फॉर 1920 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसकी ड्यू डेट 31 मई 2020 थी वो भी अब 30 जून 2020 तक फाइलिंग कर सकते हैं. देन ESI रिटर्न एंड पेमेंट्स फॉर फरवरी एंड मार्च, एक एक मंथ की ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है. फरवरी की ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी रिटर्न की और पेमेंट की वो थी 15 मार्च, अब उसको एक्सटेंड करके 15 अप्रैल कर दिया गया था. एंड मार्च की जो रिटर्न है और पेमेंट का डेट है उसको एक्सटेंड करके 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई कर दिया गया है. यानी कि मार्च का जो ESI पेमेंट और रिटर्न है वो 15 मई तक हम लोग सबमिट कर सकते हैं. EPF रिटर्न और पेमेंट का भी मार्च मंथ का ड्यू डेट 15 अप्रैल था, उसको भी एक्सटेंड करके 15 मई 2020 कर दिया गया है. आधार से पैन लिंक करने का जो ड्यू डेट था 31 मार्च 2020 उसको भी 3 मंथ एक्सटेंशन दे दिया गया है, एंड 30 जून 2020 तक आधार पैन वी कैन लिंक, हम लोग लिंक कर सकते हैं आधार से पैन को. बट आफ्टर 30 जून अगर कोई भी पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो वो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. That's it. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू इंटरेस्ट रेट ऑन पेमेंट
on delayed payment of taxes. Payment of advance tax for 2019-20 यानी कि क्वार्टर फोर का जो एडवांस टैक्स है उसकी पेमेंट की जो ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020 उसको एक्सटेंड नहीं किया गया बल्कि वहां पे थोड़ा रिलीफ दिया गया है या पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर क्वार्टर फोर 31 मार्च 2020 तक अगर पेमेंट करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगती है और अगर 30 जून 2020 तक पेमेंट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ 8% अब 0.75% इंटरेस्ट लगेगा. सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्वार्टर वन का जो ड्यू डेट है एडवांस टैक्स पेमेंट का वो है 15 जून 2020. अगर वो 15 तक करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा बट 15 से लेकर के 30 जून के बीच में 0.75 इंटरेस्ट चार्जेबल होगा एंड 30 जून के बाद पेमेंट करने से 1% इंटरेस्ट चार्ज होगा. पेमेंट ऑफ टीडीएस लायबिलिटी मार्च मंथ की जो टीडीएस लायबिलिटी का ड्यू डेट था दैट इज 30 अप्रैल 2020 वहां पे उसके बाद पेमेंट करने से 1.5% इंटरेस्ट रेट था जो कि अब 30 जून तक पेमेंट करने से 0.75 इंटरेस्ट लगेगा. यानी कि मार्च मंथ के लिए अगर आप 30 जून तक पेमेंट करते हैं जो इंटरेस्ट रेट है 1.5% के बजाय 0.75% पर मंथ लगेगा. अप्रैल मंथ की जो ड्यू डेट है टीडीएस पेमेंट की 7th of May अगर वो आप 30 जून तक पेमेंट करते हैं तो उसकी भी इंटरेस्ट 0.75% है और सिमिलरली मई की जो लायबिलिटी है टीडीएस की 7th जून तक उसका ड्यू डेट है बट अगर उसके बाद में 30 जून तक पेमेंट करते हैं तो 0.75 इंटरेस्ट लगेगा. इन तीनों केसेस में टीडीएस लायबिलिटी अगर आप 30 जून के बाद पेमेंट करते हैं तो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दैट इज 1.5% बट 30 जून के अंडर में पेमेंट करने से 0.75% लगेगा. टीसीएस पेमेंट इक्विलाइजेशन लेवी पेमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लायबिलिटी मार्च अप्रैल और मई इन तीनों की जो ड्यू डेट्स थी दैट वर 7th May, 7th April, and 7th June. यहाँ पे 1% इंटरेस्ट लगता था उसको भी रिड्यूस करके 0.75% तक कर दिया गया है अगर पेमेंट 30 जून तक करते हैं तो 30 जून के बाद में भी अगर इनकी पेमेंट्स करते हैं तो फुल मंथ का 1% लगेगा और जिस मंथ के लिए प्रिटेन करेगा उस मंथ के लिए. देन है पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. बेसिकली डिविडेंड डिक्लेयर करने पे डीडीटी पे करना पड़ता है एंड अगर वो पेमेंट 30 जून तक जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का डीडीटी अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो उस पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए था बट अगर 30 जून के अंडर में वो पेमेंट कर देते हैं तो 0.75% लगेगा एंड उसके बाद में अगर पेमेंट करते हैं तो 1% के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. और यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स मेंशन है ये पार्ट मंथ के लिए भी पूरी फुली एप्लीकेबल है. यानी कि अगर आप 30th जून के बजाय 1st जुलाई को भी पेमेंट करते हैं तो ये 1% हर एक मंथ के लिए एप्लीकेबल होगा मार्च से लेकर के जिस मंथ में आप पेमेंट करोगे उस मंथ के लिए. Then new due dates for compliance in indirect taxes. Basically यहाँ पे हम लोग GST के बारे में discuss कर रहे हैं. So यहाँ पे तीन different cases हैं और GSTR 3B पहले. तो पहले हम लोग GSTR 3B के बारे में discuss कर लेते हैं. जिन companies या जिन assessees के लिए sales जो है वो है 1.5 करोड़ के नीचे 1.5 करोड़ रुपए के नीचे तो
फरवरी की जो ड्यू डेट थी वो थी 22 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में, अलग अलग स्टेट के मुताबिक। उसकी ड्यू डेट अब 30 जून 2020 कर दी गई है। सेल्स जिनका 1.5 करोड़ से नीचे है, मार्च की ड्यू डेट 24 अप्रैल के आसपास थी, उसको अब 3 जुलाई कर दिया गया है। अप्रैल 20 की ड्यू डेट 22 मई से 24 मई के बीच में थी, उसे अब 6 जुलाई कर दिया गया है। और मई की जो रिटर्न है, मई मंथ की जो जीएसटी रिटर्न है, वो 22 जून से 24 जून के बीच में ड्यू डेट थी उनकी, अब उन्हें एक्सटेंड करके 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में कर दिया गया है। देन कैटेगरी है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए फरवरी की जो ड्यू डेट थी 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में, उनके लिए 29 जून 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। मार्च की जो रिटर्न है उसे भी 29 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अप्रैल की जो ड्यू डेट थी 22 मई से 24 मई के बीच, उसे भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। और मई मंथ की जो रिटर्न है उसे अब जून के बजाय जुलाई 12 से 14 के बीच में फाइल कर सकते हैं। ये जो जुलाई 12th और 14th के बीच में लिखा हुआ है, ये स्टेट वाइज है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये स्टेट वाइज मेंशन, मतलब स्टेट वाइज होगी फाइलिंग्स। देन जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, फरवरी मार्च और अप्रैल के लिए एक ही ड्यू डेट रखी गई है, दैट इज 24 जून 2020। एंड मई 2020 की जो रिटर्न है वो 27 जून 2020 तक फाइल करनी पड़ेगी। देन है जीएसटीआर 1 जिनका सेल्स 1.5 करोड़ के नीचे है, क्वार्टर 4 की जो फाइलिंग है उनकी वो 30 जून तक कर सकते हैं। एंड जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर के ऊपर है, मार्च अप्रैल और मई उन सब के लिए 30th ऑफ जून 2020 ड्यू डेट कर दी गई है। देन जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल जीएसटीआर 9A जो कि एनुअल रिटर्न है जीएसटी की, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। एनुअल रिटर्न्स के बारे में बेसिकली जीएसटी एनुअल रिटर्न 18-19 फाइनेंशियल ईयर की, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, उनकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 से एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दी गई है। ये एक रिसेंट नोटिफिकेशन है, सिर्फ 2 दिन पहले ही आया है, उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस डाल दी है। देन जीएसटीआर 9C जो कि है जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, अगर टर्नओवर 5 सीआर के नीचे है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, उस केस में जीएसटीआर एनुअल रिटर्न भरना है बट एनुअल ऑडिट नहीं होगी, मैंडेटरी नहीं है। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, उनके लिए जीएसटीआर 9C का ड्यू डेट 31 मार्च 2020 से एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। जीएसटीआर 5 एंड 5A जो कि इंडियन रजिस्टर्ड एनआरआई नॉन रेसिडेंट्स के लिए है बेसिकली, मतलब कोई भी नॉन रेसिडेंट पार्टी या एसएससी जो कि इंडिया में रजिस्टर करके बिजनेस रन कर रहा है, उसको जीएसटीआर 5 और 5A फाइल करनी होती है उनके टर्नओवर के हिसाब से। फरवरी मार्च अप्रैल मई इनकी जो रिटर्न ड्यू डेट्स है सब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक कर दी गई है। बेसिकली इसका एक एग्जांपल है
नेटफ्लिक्स जो कि एक नॉन रेजिडेंट है कंपनी बट इंडिया में रजिस्टर्ड है एंड वो बिजनेस रन कर रहा है इंडिया में, उनकी जो ड्यू डेट्स है उसको एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दी गई है। फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 6 बाई ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो कि फॉर्म GSTR 6 भरते हैं मार्च अप्रैल और मई, इन तीनों मंथ की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है। फॉर्म GSTR 7 बाई ई कॉमर्स, लाइक फॉर्म GSTR 7 बाई ऑल टैक्सेबल पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। GSTR 7 उनके लिए है जो लायबल है TDS काटने के लिए, एंड GSTR 8 जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। इन लोग के लिए भी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है मार्च अप्रैल और मई, तीनों मंथ की जो ड्यू डेट है 30 जून 2020 तक कर दी गई है। कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च से 30 जून कर दी गई है। सो बेसिकली अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहता है तो दे कैन ऑप्ट इट टिल 30th जून तक वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में। उसके लिए फॉर्म CMP 02 भरना होगा। CMP 08 एंड GSTR 4, GSTR 4 यानी कि कंपोजिशन डीलर के लिए रिटर्न्स। सो कंपोजिशन डीलर के लिए ऑप्शन रहता है कि वो क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं या एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 1920 में ऑप्ट किया था एनुअल रिटर्न, उनको GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भरना होगा। उसकी ड्यू डेट 30th अप्रैल से 15th जुलाई 2020 कर दी गई है। बट जिन कंपोजिशन डीलर्स ने क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट किया था उन लोगों के लिए फोर्थ क्वार्टर से एक नई रिटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया है। GSTR 4 की जगह वो फाइल करेंगे CMP 08, उसकी ड्यू डेट 18th अप्रैल 2020 थी, उसको एक्सटेंड करके 7th जुलाई 2020 कर दिया गया है। So, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेट फी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन GST। GST पे जितनी भी लेट फीस और इंटरेस्ट रेट्स है उसके बारे में, जो भी रिवीजन हुई है अब जो भी एप्लीकेबल रेट्स है उसके बारे में। यहाँ पर भी तीन कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी है जिनका टर्नओवर 1.5 CR के नीचे है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन सब के लिए। जैसे कि फरवरी के लिए अगर 30th जून 2020 के पहले रिटर्न फाइल हो जाती है तो कोई इंटरेस्ट और कोई लेट फी नहीं लगेगा। सिमिलरली मार्च 2020 के रिटर्न अगर मार्च 2020 की अगर इंटरेस्ट टैक्स लायबिलिटी अगर थर्ड जुलाई 2020 तक पेमेंट हो जाती है तो कोई इंटरेस्ट और कोई लायबिलिटी नहीं लगेगी। एंड अप्रैल 2020 की लायबिलिटी की पेमेंट और रिटर्न फर्निश अगर 6 जुलाई 2020 तक कर देते हैं तो भी कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। सो बेसिकली फरवरी के लिए 30th जून, मार्च के लिए 3rd जुलाई, अप्रैल के लिए 6th जुलाई तक अगर हम लोग पेमेंट करते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 CR के नीचे है तो उनकी इंटरेस्ट और लेट फी नहीं लगेगी। जिनकी टर्नओवर 1.5 CR के ऊपर है मगर 5 CR के नीचे है उनके लिए फरवरी मंथ की रिटर्न अगर 29 जून तक फाइल हो जाती है तब कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं है।
मार्च की अगर 29 जून तक फाइल हो जाती है तो कोई इंटरेस्ट का पेनल्टी नहीं है। सिमिलरली अप्रैल की अगर फाइल रिटर्न फाइल 30 जून 2020 तक हो जाती है तो कोई इंटरेस्ट और कोई लायबिलिटी नहीं है। सो नेक्स्ट है सेल्स जिनका 5 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पे हर एक मंथ के लिए एक अलग कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, बेसिकली डेट्स को डिवाइड कर दिया गया है। सो उसके बारे में आराम से बात करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे फरवरी मंथ से। फरवरी 2020 अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए बोल रहा हूँ ये मैं, अगर फरवरी 2020 के रिटर्न है एंड वो 20 मार्च से लेके 4 अप्रैल के बीच में फाइल होती है तो कोई इंटरेस्ट और कोई लायबिलिटी, कोई इंटरेस्ट और कोई लेट फी नहीं लगेगी। 5 अप्रैल से लेकर के 24 जून के बीच में अगर फाइल होती है तो 9% इंटरेस्ट रेट है मगर कोई लेट फी नहीं है लेट फाइलिंग के लिए। बट अगर 25 जून के बाद में अगर फाइलिंग करते हैं तो जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 18% वही एप्लीकेबल होगा और लेट फी जो है जो ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था एंड वही लगेगा दैट इज ₹20 अगर निल रिटर्न है और ₹50 अगर लाइक कोई भी टाइप का इनपुट या आउटपुट है। सिमिलरली मार्च के लिए भी कैटेगराइज किया गया है डेट्स में। मार्च की ड्यू डेट 20 अप्रैल तक थी अगर, बट अब 20 अप्रैल से 5 मई के बीच में फाइल होती है तो कोई इंटरेस्ट और कोई लेट फी नहीं लगेगी। और मार्च की फाइलिंग अगर 6 मई से लेकर के 24 जून के बीच में करते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है 9% लगेगा बट कोई लेट फी नहीं लगेगी। सो ये जो भी इंटरेस्ट रेट्स है ये बेसिकली पेमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज के ऊपर है। अगर 6 मई से 24 जून के बीच में पेमेंट करते हैं मार्च का तो उस पर 9% इंटरेस्ट लगेगा बट रिटर्न फाइल अगर 24 जून के अंदर कर देते हैं तो कोई लेट फी ऑफ रिटर्न नहीं लगेगा जो कि पर डे पे कैलकुलेट होता है। एंड मार्च की रिटर्न अगर हम लोग 25 जून के बाद में करते हैं तो 18% इंटरेस्ट और ₹20 पर डे या ₹50 पर डे एज एप्लीकेबल लेट फी लगेगी। देन है अप्रैल 2020 की रिटर्न, जीएसटी रिटर्न 20 मई 2020 से लेकर के 4 जून के बीच में अगर ये रिटर्न फाइल होती है तो कोई इंटरेस्ट और कोई लेट फी नहीं लगेगा। बट 5 जून से 24 जून के बीच में 9% इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा लायबिलिटी के ऊपर एंड 25 जून के बाद में फाइल करने पे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट या फिर एंड सॉरी नॉट या फिर ₹20 और ₹50 पर डे के हिसाब से रिटर्न फाइलिंग के ऊपर लगेगा। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन नीचे मेंशन है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बट शॉर्ट समरी ये है कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है 25 जून के बाद में अगर वो फाइल करते हैं तो उनके लिए 18% जो कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ₹20 और ₹50 एज एप्लीकेबल उनकी लेट फी लगेगी रिटर्न फाइलिंग्स पे। सो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है एक एसएससी का जो कि मार्च मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उनका टर्नओवर है 5 crore के ऊपर। एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग जो है मार्च का दैट इज 20 अप्रैल 2020, अगर वो फाइलिंग करते हैं 4 मई 2020 को जबकि 13 days का डिले है वहां पे लोअर रेट एप्लीकेबल हो जाता है जैसे कि हम लोगों ने ऊपर मेंशन किया था। यहाँ पे 5 मई तक अगर फाइल करते हैं तो कोई इंटरेस्ट कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट केस में क्या है 24 जून, सो पहले वाले केस में 5 मई के पहले पेमेंट कर दिया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे 24
जून, 6 मई से लेकर 24 जून के बीच में 9% इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे सेकेंड जो केस है दैट इज 28 मई 2020 को पेमेंट हुआ है, 38 डेज का डिले है एंड लोअर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है, तो पहले 15 डेज के लिए 9% लगेगा, सॉरी पहले 15 डेज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा एंड देन नेक्स्ट 23 डेज के लिए 9% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। देन थर्ड केस में 20 जून 2020 को अगर फाइलिंग हो रही है, 61 डेज का डिले है ओरिजिनल डेट से, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा लोअर इंटरेस्ट, बट फॉर 15 डेज कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, देन फॉर नेक्स्ट 46 डेज 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। बट 24 जून के बाद में अगर कोई भी रिटर्न फाइल होती है तो स्ट्रेट अवे जितने दिन के डिले है उसके ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड वहां पे लेट फी भी लगेगी अलग से, लेट फी फॉर रिटर्न फाइलिंग जो कि 20 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में है, लाइक 20 रुपए या 50 रुपए होंगे बेस्ड ऑन योर रिटर्न। सो यहाँ पे जीएसटी का पार्ट कंप्लीट होता है। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड। सो बेसिकली कोविड-19 से स्ट्रगल को उभरने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड इंट्रोड्यूस किया था, पीएम केयर्स फंड, जहाँ पे डोनेशन 80G के अंडर में कवर होगा, डोनेशन के अगेंस्ट में डिडक्शंस जो है 80G के अंदर कवर होगा एंड 100% डिडक्शन मिलेगा। सो फॉर ये जो सेक्शन है 80G, यहाँ पे 100% डिडक्शन मिलेगा एंड बेनिफिट ये है कि अगर 30 जून के पहले कोई पेमेंट करता है तो इसको, इस क्लेम को फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ऑप्ट कर सकता है, बट अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ऑप्ट करता है तो 2021 के लिए इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। एंड अगर किसी इंडिविजुअल ने, किसी एसएससी ने इसे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ऑप्ट किया तो उनके पास जो कंसेशनल रेट के लिए जाने का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। ये हम सबको पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल्स के लिए कंसेशनल रेट रिजीम इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे अगर एसएससी चाहे तो कंट्रीब्यूशन या फिर किसी भी टाइप का डिडक्शन का फायदा नहीं उठाएंगे एंड वहाँ पे जो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेस है उसको क्लेम उस पे यूज करेंगे। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल एसएससी इस फंड का क्लेम, इस फंड में डोनेशन करने का क्लेम अगर 2021 में ले लेता है तो उसको कंसेशनल रेट में जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर एसएससी 1920 में क्लेम कर लेता है तो दे कैन ऑफ फॉर कंसेशनल रेट इन फ्यूचर। ये फंड में जो भी डोनेट करेगा, बी एट इंडिविजुअल एसएससी, बी एट कॉर्पोरेट एसएससी, सबके लिए 80G में 100% डिडक्शन है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है दैट इज सेक्शन 80G सबसेक्शन 4, जो कि बोलता है कि 10% के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस इनकम जो है उसके 10% के ऊपर आप 80G में डोनेशन क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आपने डोनेशन ज्यादा दिया हो, बट अगर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर आपका 10% के ऊपर अगर आपका डोनेशन है तो यू कैन नॉट क्लेम दैट पार्ट, सिर्फ 10% तक ही आप क्लेम कर पाओगे। देन है ड्यू डेट्स फॉर सम स्पेसिफाइड कॉर्पोरेट लॉ कंप्लायंसेस। सो गवर्नमेंट ने कुछ
कॉर्पोरेट लॉ कंप्लायंसेस में भी छूट दी है, जैसे कि एलएलपी सेटलमेंट स्कीम और कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। यहाँ पे एलएलपी के लिए और कंपनीज के लिए जिनकी रिटर्न्स, जिनकी एनुअल कंप्लायंसेस आरओसी की पेंडिंग है, उनके लिए कुछ कंसेशनल स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे रिड्यूस्ड इंटरेस्ट पेनल्टीज पे दे कैन फाइल देयर रिटर्न्स टिल डेट। सो जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, उसको अब एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। बेसिकली एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 31 मार्च 2020 के बजाय अब 30 सितंबर 2020 तक एप्लीकेबल है, और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने, जो भी फाइलिंग्स करनी है, वो सब अभी भी हम लोग कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सीएफएसएस यानी कि कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, उसको भी अब हम लोग 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।